आज का मेरा सवाल हाफ लाइफ से रिलेटेड है। तमाम लोग जरा सवाल लिखिएगा, सवाल क्या है? सवाल मेरे पास है, हाउ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिटरमाइन। हाफ लाइफ कैसे मालूम करते हैं और हाफ लाइफ होती क्या है? तो मैं हाफ लाइफ बताऊं, आप 10 एलिमेंट्स लेकर आए, ये 10 एलिमेंट्स आपके पास थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये 10 के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन 10 एलिमेंट्स में से डीके होना शुरू हुआ। डीके का मतलब वो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। पहला डीके हुआ, सही ना? टाइम स्टार्ट हुआ, बट टाइम चल रहा है। पहला डीके हुआ, दूसरा डीके हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। अब देखो कितने डीके हो गए। आप बोलेंगे सर टोटल 10 थे, 10 में से आधे डीके हो गए, आधे ब्रेक हो गए, यानी 10 में से कितने बच गए? 5 बच गए। तो एलिमेंट्स को जितनी भी उनकी तादाद है, उन तादाद को हाफ होने के लिए, एलिमेंट्स की जो तादाद है उन तादाद को हाफ होने के लिए जितना भी टाइम चाहिए, उस वो टाइम कहलाता है आपके पास हाफ लाइफ। अब सपोज करो इसको अगर लगे, इसको डीके होने में दिन लगे 27 दिन लगे, सही ना? तो ये इसकी हाफ लाइफ कहलाएगा, यानी इसकी हाफ लाइफ होगी मेरे पास कितने, 27.3 डेज, ये इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। तो हाफ लाइफ क्या है? एलिमेंट्स को हाफ होने के लिए जितना भी टाइम चाहिए वो टाइम कहलाता है मेरे पास क्या, हाफ लाइफ कहलाता है। जरा डेफिनेशन पढ़िएगा, डेफिनेशन क्या है? ओके, हाफ लाइफ और हाफ पीरियड दोनों के लफ्ज लिखे हुए, हाफ लाइफ और हाफ पीरियड ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अच्छा जी सर, इज द ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन जिसके अंदर आपके हाफ जो है पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट किस में हो जाए, डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। यानी वही बात कि डीके हो जाए पेरेंट एलिमेंट से, डीके होने का मतलब डॉटर एलिमेंट ही बनता है ना, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, आपने जरा पढ़िएगा क्या है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके, ये इक्वेशन हमारे पास है लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके से, भी जो लास्ट लेक्चर आपका था उस लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके का फॉर्मूला, एन अपॉन एन नॉट बराबर होता है, एन अपॉन एन नॉट बराबर होता है मेरे पास किसके, ई की पावर माइनस लैम्डा टी के, यानी एन अपॉन एन नॉट बराबर है मेरे पास ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस फॉर्मूले को जरा हम ड्राइव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा यार ये जो टाइम नजर आ रहा है, ये टाइम मुझे ये टॉप पे नजर आ रहा है, सही ना? ये टाइम टॉप पे, इस टाइम को नीचे बुलाना है। तो आप बोलेंगे सर इसको नीचे बुलाने के लिए एक ही हल है, और वो एक ही हल क्या है, मैं दोनों तरफ मुझे लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग भी कौन सा है बेटा, ये लॉग है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग कैसे लोगे बेटा, दोनों तरफ लेना, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एल एन एन अपॉन एन नॉट, और राइट पे भी हो जाएगा एल एन ई की पावर माइनस लैम्डा टी। भाई एल एन आपने यहाँ लेफ्ट पे भी लगा दिया, एल एन आपने यहाँ राइट पे भी लगा दिया, सर ये एल एन लगाया क्यों, इससे फायदा क्या होगा? मैं आपको बताऊं इसका फायदा क्या है। लेफ्ट साइड पे देखो, देखो एल एन और ई नजर आ रहा है, तो एल एन और ई एक दूसरे के एक दुश्मन होते हैं, और दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल। जैसे मैंने कहा था ना सर इंटीग्रल और डेरिवेटिव नजर आएगा, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे लॉग को खत्म करता है एंटी लॉग, जैसे वायरस को खत्म करता है एंटी वायरस, जैसे डेरिवेटिव को खत्म करता है इंटीग्रल, वैसे ही ये एल एन और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर बच जाएगा मेरे पास कौन, माइनस लैम्डा टी, और लेफ्ट साइड पे बच जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एन अपॉन एन नॉट। तो ये फायदा हुआ मेरे पास क्या कंसिडर करने का, नेचुरल लॉग कंसिडर करने का। तो इस स्टेप को मैंने डायरेक्टली ये इस तरीके से लिखा कि बेटा दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, एल एन लगाया। एल एन लगाने के बाद आपको साइड नजर आ रही है, एल एन लगा के देखिए ये एल एन और ई नजर आ रहा है, सर ये एल एन और ई एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनको मैंने कैंसिल कर दिया, तो बच जाएगा मेरे पास क्या, माइनस लैम्डा टी बच जाएगा। अच्छा सर आगे बढ़िए, मैं जब यहाँ तक पहुंचा मैंने बीच में लाइन लगाई, मैंने एक कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है वो कंडीशन मैं आपको बताऊँ, पहले मैं ऐसी ही समझा देता हूँ फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। सपोज करो आपके पास 10 एलिमेंट्स थे, सही ना? इसकी हाफ लाइफ हुई कितनी, हुई हाफ लाइफ हुई
हाफ लाइफ के बाद कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर, अरे सर 10 एलिमेंट से 10 का मतलब हाफ लाइफ हो गई, इसका मतलब कितने बच गए? 5 बच गए। आप बोलेंगे हाँ सर सही है। चलो एक और मिसाल, मैंने कहा नहीं मेरे पास एलिमेंट से 50 हाफ लाइफ हो गई, कितने बच जाएंगे? आप बोलेंगे सर हाफ लाइफ हो गई तो एलिमेंट्स बच जाएंगे हमारे पास, 50 नहीं बचेंगे बल्कि 50 के बजाय कितने बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे। अच्छा इस 5 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/2? आप बोलेंगे हाँ सर 10/2 भी लिख सकते हैं, भाई हाफ हो गए ना, तो हाफ का मतलब या तो 10 5 लिखिए या फिर 10/2 लिखिए। इसी तरीके से 25 को मैं हाफ ऐसे भी तो करके लिखता हूँ 50/2। आप बोलेंगे यस सर हाफ को हम 25 बच रहे थे लेकिन 25 को आप 50/2 भी लिख सकते हैं, यानी जो भी पहले लिखा हुआ है आप उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अब इस बात को मैं यहाँ आपको रिलेट कराऊंगा बेटा, इस बात को मैं आगे यहाँ रिलेट भी कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से मेरी बात समझ में आए। आपने बोला अगर टाइम जो है क्या हो जाए, हाफ हो जाए, भाई टाइम जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है बेटा स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होता है उस वक्त जो मॉलिक्यूल की तादाद होती है वो होती है एन नॉट, सही ना, और जब टाइम टी हो जाता है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल की तादाद होती है वो क्या होती है, एन होती है। अब जो नए मॉलिक्यूल्स बचेंगे, अब जो नए मॉलिक्यूल्स बचेंगे, नए वाले तो भाई टी है ना, ये टी इज इक्वल टू 0, तो ये तो स्टार्टिंग के थे। आपको अगर लास्ट लेक्चर की मेरी बात याद हो वहां मैंने आपको बताया भी था कि भाई आपके पास जो नए मॉलिक्यूल की तादाद है वो है एन। अब जो नए मॉलिक्यूल की तादाद है एन, ये होगी सर क्योंकि हाफ हो गई, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको पढ़ो, मैं आपसे दोबारा बताता हूँ क्या बात मैंने आपको बताई, दोबारा इसको देख लेते हैं ताकि मेरी बात आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ये बात समझना आप लोग के लिए जरूरी है। आपने क्या बोला भाई, अगर टाइम जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो नए मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी नए मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एन। याद होगा ना आपको, जब टाइम टी होता है उस वक्त जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो एन कहलाती है। नहीं याद तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी दूंगा, ये लिखा हुआ कि भाई अगर टाइम 0 होगा जब स्टार्टिंग होगी तो मॉलिक्यूल्स की तादाद एन नॉट होती है, ये लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में, और सेकेंड में लिखा हुआ जब टाइम टी होगा तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाती है, एन हो जाती है। तब आपने यहाँ पर आया वापसी कि सर जो नए मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो एन है, और वो किसके बराबर होगी सर, वो पुराने वाले मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और पुराने वाले मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा। तो ये छोटी सी कंडीशन आपने बेटा बनाई है, ये कंडीशन बनाना आपको आना चाहिए, कंडीशन अगर आपने बनाना सीख ली तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हो। कंडीशन क्या बनाई, चलिए सीधा वो दोबारा लेते हैं। अगर टाइम आपके पास क्या हो, हाफ हो, यानी टी इज इक्वल टी हाफ, तो जो नए मॉलिक्यूल्स की तादाद है, नए मॉलिक्यूल्स की तादाद का मतलब हो जाएगा एन, और वो एन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उन मॉलिक्यूल्स के जो स्टार्टिंग के हैं। अब आपने क्या किया, मैंने इस एन नॉट को कहा कि आप एन नॉट नजर आ रहे हैं, आप एक काम कीजिए आप नीचे एन के पास आ जाइए, तो एन नॉट को मैंने एन के पास बुला लिया, तो एन अपॉन एन नॉट बराबर हो गया मेरे पास किसके, 1/2 के बराबर हो गया, यानी एन नॉट को मैं नीचे लेकर आ गया, तो ये बन जाएगा एन अपॉन एन नॉट बराबर हो गया मेरे पास किसके, 1/2 के बराबर हो गया। अब आप देखो इसकी वैल्यू को मैंने रखना चाहे वी पुट इन अबव, यानी जहाँ एन अपॉन एन नॉट नजर आ रहा है सर वहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 1/2 आ जाएगा, और जहाँ पे मेरे पास नजर आ रहा है टी, इस टी की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं सर, इस टी की जगह पे आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा, भाई एन अपॉन एन नॉट की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1/2, और टी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, टी हाफ आ जाएगा। तो मैंने यही काम किया, एन अपॉन एन नॉट की जगह पे मैंने रख दिया हाफ, और टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, टी 1/2 रख दिया। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अच्छा कैलकुलेटर की मदद से आपको एक काम करना, आप अपना कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में लेफ्ट साइड पे आपको ln नजर आ रहा होगा, बटन होगा यहाँ पे ln का कैलकुलेटर में, वो ln दबाइए कैलकुलेटर में, और ब्रैकेट बना हुआ आ जाएगा, आगे लिखिए 1/2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इस इक्वल टू दबाइए, तो ln हाफ निकाल के देखिए कैलकुलेटर की मदद से। जब आप ln हाफ निकालेंगे तो आपके पास जो जवाब आ रहा है ln हाफ का, वो आता है -0.693। तमाम लोग चेक कर लीजिएगा, यही जवाब आएगा आपका -0.693। अब क्योंकि हमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला चाहिए तो इस माइनस लैम्डा को मैंने बोला आप लेफ्ट पे चले जाइए, लेफ्ट पे लाइक जाके हम आपको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को लेकर आया मैं डिवाइड की सूरत में।
अब जैसे ही मैं डिवाइड की सूरत में लाया, आप बोलेंगे सर अरे सर ये माइनस और ये माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैंने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या बच गया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये मेरे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला है जो मेरे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। और ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू माइनस जी टी हाफ इज इक्वल टू सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। और ये लैम्डा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट, मतलब आपको अगर डी के कॉन्स्टेंट पता हो तो आप हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसके न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे, तो हेडिंग लगाते हैं हम लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके, और इसके जो जो फॉर्मूले हमारे पास आते रहेंगे फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। फर्स्ट फॉर्मूले से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, जो जो फॉर्मूले आते रहेंगे आपको बोल रहा हूँ ना, हम लिखते रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है हाफ लाइफ का। अच्छा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर हाफ लाइफ का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, ये फॉर्मूला तो हमें याद है। अच्छा, इसमें लैम्डा क्या है, तो लैम्डा क्या रहता है मेरे पास डी के कॉन्स्टेंट, और इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, यानी डी के कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है मेरे पास, वो यूनिट मैंने आपके सामने लिखा सर, वो यूनिट है मेरे पास कौन, सेकंड इनवर्स है। कैसे है, जल्दी से ये बात भी बेटा मैं आपको बताऊं। फॉर्मूला है ना, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को ऊपर फेंक दिया, टी हाफ को नीचे बुला लिया, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब देखो ऊपर तो नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता। आप बोलेंगे हाँ सर नंबर का यूनिट नहीं होता, बेटा टी हाफ का यूनिट क्या होता है, टी हाफ यानी हाफ लाइफ है ना, टाइम है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यूनिट बन गया 1/सेकंड। सेकंड को ऊपर लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एस माइनस वन। तो ये हाफ लाइफ की मदद से मैंने डी के कॉन्स्टेंट का यूनिट आपको निकालना सिखाया। तो बड़ी सिंपल सी बात, मैंने आपको डी के कॉन्स्टेंट का यूनिट बताया, और डी के कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है मेरे पास वो क्या है, सेकेंड इनवर्स से। बात नहीं समझ आई तो मैं एक दफा दोबारा बता दूं बेटा, ये देख लीजिए टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डो को वहां पे का टी हाफ को नीचे बुलाया, तो लैम्डा का फॉर्मूला बन गया 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसका यूनिट निकालना है बेटा, ऊपर नंबर है, नंबर का तो यूनिट नहीं होगा, जबकि टी हाफ का यूनिट होगा मेरे पास क्या, सेकंड होगा, तो यूनिट आ गया 1/सेकंड। सेकंड को ऊपर लेकर आया तो बन जाएगा मेरे पास क्या, सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो ये इसके यूनिट की भी बेटा बात हो गई, यूनिट आपको निकालना सिखा दिया। अभी क्योंकि सिर्फ इसी फॉर्मूले की जरूरत है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, तो मैं इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ और इसके न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जरा तमाम लोग पढ़िएगा, न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। सवाल में आपसे बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.80 डेज, हाफ लाइफ रेडॉन की वो है 3.80 डेज। तो आपने डेटा की हेडिंग लगाई, और डेटा की हेडिंग लगा के आपने लिखा उसमें टी हाफ इज इक्वल टू 3.80 डेज। अब सबसे पहली बात तो सर हमें टाइम जो है वो डेज में नहीं चाहिए होता, वो टाइम चाहिए होता है सेकेंड्स में। अब इसको सेकंड्स में कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो लिखा 3.8, हर दिन में आवर्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 24 आवर्स, हर आवर में मिनट कितना होता है, सर हर घंटे में जो मिनट होता है वो होता है 60, और हर मिनट में सेकंड्स भी कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो आपने 3.8 को मल्टीप्लाई किया 24 से, मल्टीप्लाई किया 60 से, और मल्टीप्लाई किया 60 से, तो बन गया 3.8 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। मैंने इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया मेरे पास 328320, ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। उसने मांगा क्या, व्हाट वुड बी इट्स डी के कॉन्स्टेंट, आपसे डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा मांग रहा है। तो सवाल आपने देखा बड़ा सिंपल सा सवाल नहीं है आपके पास, ये कि हाफ लाइफ दे रहा है और आपसे डी के कॉन्स्टेंट मांग रहा है। आपने फॉर्मूला लगाया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट है, लैम्डा वहाँ जाएगा, टी हाफ नीचे आ जाएगा। अच्छा ये लैम्डा वेवलेंथ नहीं है बेटा, ये गलती नहीं करना कि आप इसको लैम्डा को वेवलेंथ मान लो, ये लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा टी हाफ।
तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ऊपर मैं रखूंगा 0.693, जबकि नीचे लिखा हुआ मेरे पास क्या, नीचे लिखा हुआ टी हाफ। तो बेटा टी हाफ की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर अरे सर ये रही मेरे पास टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू है मेरे पास 328320। दोनों को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर दीजिए। बेटा कैलकुलेटर की मदद से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय 328320, ऊपर लिखा हुआ था 0.693, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 0.0000211। ये यूनिट है, ये आंसर आया। आपने इसके बाद कैलकुलेटर में ENG का बटन प्रेस किया, कैलकुलेटर में बटन होता है ना ENG का, मैं आपको कैलकुलेशन तो सिखा चुका हूँ। कैलकुलेटर में आपने ENG का बटन प्रेस किया जो एक्सपोनेंट में कर देता है, जब आप इसको एक्सपोनेंट में करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 2.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। और डीके कांस्टेंट का यूनिट होता है मेरे पास क्या, सेकंड इनवर्स होता है। तो ये डीके कांस्टेंट का आपके पास आंसर हो जाएगा। और डीके कांस्टेंट का जो आंसर आया वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.11 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया। तो आज के लेक्चर में हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा और फॉर्मूलों का पेज बनाया, उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके आगे के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उससे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।